यहाँ पर आमंत्रित आप सभी अतिथिगण और हमारे और किस तरह से वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेज के लिए और नया दौर जो कि मजाज थे उर्दू में था और आज बहुत सारी जवान के बाद इसे हिंदी में करते हैं। मजाज पर ख्वाबों की हंसी दास्तान कहते कहते शिंदे से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ मंत्री आदरणीय अहमद हुसैन साहब, मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री अभिषेक मिश्रा जी, मंत्री रामूर्ति वर्मा जी, एम ए खान साहब, हमारे साथ सलाहकार पूर्व में चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी नवीन वाजपेयी जी, चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर जी और मंच पर उपस्थित जिनकी किताब का आज विमोचन हुआ है, यूपी द ग्रोथ फैक्ट्री, आदरणीय चंदन मित्रा जी, ख्वाबों की हंसी जो हमारे साथ ही अधिकारी हैं डॉक्टर हरिओम जी, जो सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रिजवी साहब जिन्होंने और विभाग के माध्यम से जो नई दो किताबें आई हैं, नया दौर नई उमंग, इन सभी लोगों का और सूचना विभाग का और सबसे ज़्यादा आदरणीय चंदन मित्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यूपी द ग्रोथ फैक्ट्री और मेरे से पहले आपके प्रदेश के तीन चीफ सेक्रेटरी जो एक जो हमारे साथ हैं, एक पूर्व में रहे और एक नेताजी के साथ रहे, तीनों के तीनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बातें रखी हैं। क्या उत्तर प्रदेश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार समाजवादी लोगों ने काम किया है, चाहे सड़क की बात हो, अस्पतालों की बात हो या विकास को तेजी से किसी रूप में आगे बढ़ाना हो उत्तर प्रदेश को, आज हमारे पास तमाम बातें हैं बताने में। मैं आज इस मौके पे कह सकता हूँ क्या समाजवादी सरकार ने संतुलन बनाने का काम किया है विकास में, अगर दो राजधानियों को जोड़ने का काम किया है, ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने का काम कर रहा है। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जो आगरा वाले लोग हैं वो जानते होंगे और लखनऊ में जो रहने लगे वो भी जानते होंगे कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद ताजगंज और हजरतगंज दोनों जुड़ गए हैं और जो संतुलन बनाने का काम किया है कि अगर ये बड़ी सड़क बनाई है तो इसके साथ साथ जिला मुख्यालयों को भी फोर लेन सड़क से जोड़ने का काम किया है। जो साथी वाराणसी और मिर्जापुर और सोनभद्र के होंगे वो जानते होंगे कैसी सरकार की वजह से, और हम ही लोगों ने जब 6 महीने पूरे हुए थे सरकार के उस सड़क को शुरू किया था, आज बन गई है और बनारस से सोनभद्र जहां घंटों लगा करते थे आज कम समय में पहुंचा जा सकता है। भदोही और आसपास के लोग जानते होंगे कि बाबतपुर एयरपोर्ट से कितनी परेशानी और तकलीफ से जो बायर आते थे दुनिया के दूसरे हिस्से से कारपेट खरीदने या कारोबार करने के लिए, उन्हें बहुत समय लगता था जब भदोही पहुंच पाते थे। इसी सरकार ने वो सड़क दे दी
और फोर लेन सड़क का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया था बाबतपुर से लेकर के आपके भदोही तक। हालांकि हमारे पुराने साथी जानते होंगे जिन्होंने साइकिल चलाई होगी, एक बार साइकिल हमने चलाई थी मिर्जापुर से लेकर के भदोही तक। आरिफ बैठे हैं, उस समय आरिफ जिला अध्यक्ष थे। वो सड़क बनाई थी और यहाँ कोई हॉल में ऐसा नहीं है जो ना बैठा हो, ये जानता हो ना हो कि शिव कुमार जी भी मिर्जापुर के हैं। एक बार उन्होंने कहा कि ये सड़क ऐसी है भदोही से मिर्जापुर के 40 साल में हमने इसको देखा नहीं, बनाए हुए गड्ढे हो जाते हैं, चलती नहीं सड़क। और हमने कहा ये समाजवादी सरकार है, आपने हमारे सामने बात रख दी है, ये सड़क ऐसी बना देंगे कि जब तक आप जिंदा रहोगे गड्ढा देखोगे नहीं सड़क में, और सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क बन रही है, सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क बना रहे हैं। इसी तरह बरेली से आने वाले लोग जानते होंगे कि किस तरीके से आपकी हल्द्वानी तक फोरलेन सड़क बनाई है, वो भी हम लोगों ने नाम रख दिया पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से। उसी तरह बरेली से लेके बदायूं सड़क बनी है फोरलेन, जो लोग आए होंगे संभल और आसपास से वो जानते होंगे संभल से लेकर के मुरादाबाद फोरलेन बनी है, अमरोहा से जोया बनी है, और उधर जो मुजफ्फरनगर वाया देवन सहारनपुर फोरलेन बनना शुरू हो गई है, मेरठ और करनाल फोरलेन बन गई है, इटावा और मैनपुरी फोरलेन बन गई है। तो ये मैं केवल कुछ काम बता रहा हूँ, जहाँ बड़ी सड़क बनाई है वही छोटी सड़क भी जो छोटे जिलों में संतुलन बनाने का काम किया है। इस सरकार ने संतुलन बनाया है, बहुत सारी सड़कों के बारे में जो आने वाले समय में बनेंगी या पूरी हो जाएंगी उनके बारे में मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो सड़क बनी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और कल जो वीडियो हमें मिला था नवीन सिंह साहब जी ने जो दिया था वीडियो, मैंने अपडेट किया है, और वो कम से कम वो सड़क ऐसी है। हालांकि विरोधी लोग कुछ और कह सकते हैं, गिलास की बात होगी तो विरोधी लोग कुछ और कह सकते हैं, लेकिन कम से कम वो गिलास जो रखा और सड़क पर जब वो गाड़ी दौड़ी है 100 से लेकर के 120 किलोमीटर की रफ्तार से, वो पानी मामूली सा हिलाया और छलका नहीं, गिरा नहीं। लेकिन हो सकता है विरोधी लोग उसमें से भी कमी निकाल दें कुछ, इसलिए संतुलन बनाया। अगर मेट्रो दी है शहरों में तो कम से कम हम लोगों ने साइकिल सस्ती की है, अगर लैपटॉप की बात की है तो काम देनू डेरी की भी बात हम लोगों ने की। जब हम लोग यहाँ पर मंच पे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे मंत्री जी ने कहा कि उनके यहाँ पशु आहार की फैक्ट्री बनी है, उसका उद्घाटन कब होगा। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कोई विभाग कोई क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें समाजवादी लोगों ने काम न किया और नई नई चीजें न जोड़ी हैं। कौन सोचता था कि लखनऊ शहर में भी साइकिल के लिए ट्रैक होगा, सड़क बनेगी अलग से उनके लिए व्यवस्था होगी। ये तो शहर में एक में कोशिश की है, लेकिन दुनिया में इतना बड़ा बाइसाइकिल हाईवे कहीं नहीं बना होगा। हालांकि एक दो मुल्क में जरूर है ऐसी सड़क या ऐसी व्यवस्था जहां पर साइकिल चला सकते हैं, लेकिन हमारे साथी जानते होंगे जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा कि आगरा से लेकर के लायन सफारी तक अगर कोई साइकिल से आना चाहेगा तो नवंबर के महीने से साइकिल हाईवे पहली बार देश में समाजवादी लोगों ने बनाया। हर वर्ग हर जात के लिए काम किया हम लोगों ने। हमारे मुस्लिम भाई जानते होंगे कि हम लोगों ने कम से कम संतुलन बनाया हुआ, जो हमारी लाभकारी योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश सरकार की जो संसाधनों से चलने वाली योजनाएं हैं, पहले गांव तय होते थे जात के आधार पर भी, कम से कम हमने आबादी के हिसाब से और जो संसाधन उत्तर प्रदेश के हैं, जो हमारी प्रदेश की सरकार है, उनमें 20% पूरा सीधा सीधा मुस्लिम भाई को लाभ देने का काम समाजवादी लोगों ने किया। इस काम में तो हम लोग आगे हैं, बहुत आगे हैं हम लोग काम में, और काम में ही आगे थे इसीलिए किसी के पास मुद्दा कुछ है ही नहीं हम लोगों के खिलाफ। मैं इस हॉल में क्योंकि बहुत उत्साह और जोश में हैं हमारे साथी, और
क्योंकि नारे की तैयारी नहीं हुई थी, इसलिए नए नए नारे निकल रहे थे। क्योंकि नए नए नारे निकाले जा रहे थे और हमारा एक साथी इतने उत्साह में आ गया, उसने कहा कि अखिलेश भैया कोहिनूर। अरे हमारे साथी कोहिनूर का इतिहास तो जानते होंगे, अभी कोहिनूर पता नहीं किस म्यूजियम में रखा हुआ है। इसी तरह कोई नारा देने लगा, आगे बढ़ो। फिर कह रहे विकास का पहिया और जय अखिलेश। ये तमाम नारे अपनी जगह है, ये नारे अपनी जगह हैं। नारे तो हैं जोश और साल दिलाने के लिए भी, संगठित करने के लिए भी, लेकिन ये नारे तभी हमें अच्छे लगेंगे आने वाले समय में जब हम लोगों की सरकार भी उत्तर प्रदेश में हो। और पार्टी कार्यालय में मैंने कहा था, याद होगा उस समय पार्टी कार्यालय में मैंने इस बात को कहा था कि अगर 5 महीने मेहनत कर लोगे आप, अगर 5 महीने मेहनत कर लोगे तो 5 साल की सरकार आपको मिलेगी। अब तो 5 महीने से और कम हो गया समय। अगर मान लो फरवरी में चुनाव है, अगर पहले हफ्ते से चुनाव है, और कुछ लोग हो सकता है चुनाव पहले चाहते हो, तो हम तो पहले भी तैयार हैं अगर पहले चाहते हो आप चुनाव, लेकिन अब समय कम है। पहले 5 महीने थे, आज कुछ और कम समय बचा है। अगर आप चाहते हो कि 5 साल और मौका मिले, तो यही काम और यही संगठन और यही नारे अगर लोगों के बीच पहुंच जाएंगे तो आने वाले समय में आपकी फिर 5 साल की सरकार होगी। इसलिए जहां मेरे काम किए हैं, ये भी कार्यालय नया बना है, और कम से कम ये हमने पत्थर वहां लगाया है जो पत्थर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि एक सरकार उनको उन्होंने कहा कि हमें उस नाम से न बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं वो कहता हूं तो उनका वोट भी हमारे पास ही खिसक रहा है, कि कम से कम मुख्यमंत्री तो अच्छा है कि उन्हें बुआ बोल रहा है। जो पत्थर वाली सरकार का बताओ क्या पत्थर लगे, पत्थर ही पत्थर लगे, और कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं न सुंदरता है। कम से कम हम लोगों ने जो पत्थर लगाए हैं तो देखने वाला कह सकता है कि हाँ इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। बाहर से आकर के अगर देखेगा तो क्या है, और अंदर हम ये तमाम लोग हैं जो आ नहीं सकते थे, लेकिन लोक भवन है जैसे, इसमें तो कम से कम मौका मिलेगा आने वाले समय भी अगर आप चाहोगे तो। इसलिए दूसरी दल पे कोई मुद्दा नहीं है, अभी एक और पार्टी है उस पर कोई मुद्दा नहीं है। विकास का नाम पे तो अच्छे पे चले गए, अच्छे दिन के बहाने सरकार में आ गए, लेकिन बताओ कोई काम या कोई फैसला किया हो तो बता दो। और ठीक कहा चीफ सेक्रेटरी साहब ने, मैं जब प्रधानमंत्री कार्यालय गया था तो सबसे पहले बधाई दी थी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अकाउंट खोलने में कामयाब हुआ है, और वो इसीलिए अकाउंट खुले क्योंकि आपने खुलवाए। जनधन का लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पेंशन ने सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाने का काम किया है, 55 लाख। तो बहुत सारे फैसले हैं, इसलिए इन किताबों के माध्यम, इन जानकारी के माध्यम से कम पहुंचेगी। जो चीज उर्दू में थे वो हिंदी में हो गई, और हिंदी वाली भी हम कोशिश करेंगे उर्दू में जाए चीजें, और जो किताब आज अंग्रेजी में है हमारी कोशिश होगी, और आदरणीय चंद्र मित्रा जी से भी हम कहेंगे और विभाग के नवनीत सहगल साहब से भी कहेंगे कि कम से कम ये हिंदी में भी आ जाए। ये जो बड़े लोग हैं उन्हें तो जानकारी होगी होगी, लेकिन जब हिंदी में आ जाएगी तो सही मायने में से सड़क का क्या लाभ होने जा रहा है, एक्सप्रेसवे का क्या लाभ होने जा रहा है, अगर हमारे लोग जान जाएंगे तो आने वाले वक्त में हमारी मदद भी करेंगे। इसलिए ये हिंदी में भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय चंद्र मित्रा जी को, हरिओम जी को, और जितने लोग हैं जिन्होंने किताब का विमोचन करने का मौका दिया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपने समाजवादी साथियों से जो त्योहार आ रहे हैं उनके लिए बधाई देना चाहते हैं, आप त्योहार मनाइए, उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई।